हेलो अलग, कैसे? जैसे कि सब बड़े होंगे तो भाई आज स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। पबजी लाइट का एक नया वीडियो भाई, जिसमें हम कतई शेयर करने वाले हैं आज। तो भाई हम उतर रहे थे स्टेडियम के साथ, मैं और मेरा बंदा था भाई साथ में। तो भाई उसने लैंडिंग की, भाई उतरते समय मेरे को भाई रूफ पे उतरना पड़ता है, पर भाई वहाँ पे लूटने होती, इसलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। फिर मेरे को भाई वेक्टर मिल जाती है, भाई वेक्टर के साथ शॉटगन भी मिलती है भाई मेरे को आगे जाके। फिर भाई दो बंदे आते हैं, मेरे को फुटस्टेप मैं देख ही रहा था भाई वो फुटस्टेप कहाँ पे। तो फिर बाद में पता चला कि भाई वो बाजू के कमरे में से आ रहे, तो मैं जाता हूँ, पर वेक्टर में ज़्यादा गोलियाँ नहीं होती भाई, इसलिए फिर मैं मार नहीं सका उस बंदे को। और एक बंदा आता भाई, दो बंदे, फिर भी उसको मैं डैमेज देता हूँ। फिर शॉटगन से इसको एक लगती है, फिर भाई और एक मारता हूँ शॉटगन से, फिर बाद में नॉक होता है भाई बंदा। भाई देखो कितना लेट, मतलब बहुत ही लेट किल पड़ रही थी मेरे को भाई। पता नहीं भाई ये वीपीएन का प्रॉब्लम है क्या क्या पता, पर भाई किल पड़ते बाद में मेरे को उसके तरफ से वेक्टर मिलती फिर भी, तो मैं उसको नहीं उठा था। फिर भाई इस बंदे का टीममेट तो नहीं दिखता, फिर उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ भाई मैं। फिर आगे की तरफ जा ही रहा था भाई, कुछ लूट वगैरह मिले तो फिर यहाँ पे मेरे को यूजी की छोटी बहन मिल जाती है भाई, फिर उसको ले लेता हूँ भाई मैं। और मेरे को फुटस्टेप मतलब बाहर से फायरिंग आ रही थी, तो मैंने बोला चलो रशी मार देते अभी जीतती है। यहाँ पे मैं थोड़े बैंडेज वगैरह लगाता हूँ, हीलिंग करता हूँ, और अपने बंदे को भी बोल देता हूँ भाई कि आ जा भाई, जितनी भी लूट हुई होंगी आ जा भाई, मतलब देखते भाई आगे बंदों को मारते। तो फिर मैं जा ही रहा था भाई बंदों को मारने के लिए, भाई यहाँ पे एक बॉट मिल जाता भाई मेरे को, वो बॉट से अच्छी खासी AKM मिल जाती भाई, एक्सटेंडेड मैग। देखो भाई बॉट तो मारता हूँ भाई, मैं तो भाई यहाँ पर मैं रिलोड वगैरह करता हूँ, तो मैं बॉट को पूरा किल कर देता हूँ भाई। मैं बॉट से फिर मेरे को AKM मिल जाती है, फिर एक्सटेंडेड मैग भी मिल जाता है, फिर मैं ले लेता हूँ। वो मेरा बंदा आ ही रहा था पीछे, वो बोलता है कि भाई मेरे पास M4 है, तो मैंने बोला भाई दे दे अपने M4। फिर वो भाई M4 देता है, मैंने बोला जितनी भी एमओ वगैरह होंगी सब दे दे। वही मेरा बंदा फिर एमओ वगैरह भी देता है मुझको, मैंने सोचा बोले आगे की तरफ फायरिंग है, उसको बोला मैं चल रश मारते। तो फिर मैं जा ही रहता भाई, आप थोड़ा फास्ट मोशन में देख लो यहाँ पे। तो मेरे को एक बंदा दिखता है, फिर भाई गाड़ी लेके भागने डैमेज देता हूँ, भाग जाता भाई उसको, मतलब स्प्रे वातक, स्प्रे नहीं पड़ता भाई वातक, कोई स्कोप वगैरह नहीं था। और एक बंदा दिखता है, फिर डैमेज करता हूँ, पर वो बॉट है कि क्या पता, मतलब समझ नहीं रहा था। फिर भाई क्लोज जाके देखते भाई ऊपर एक गाड़ी भी दिखी मेरे को, फिर यहाँ से कुछ एमओ वगैरह लेता हूँ गाइस। और वो ये रियल बंदा था, उसको मारा नहीं, उसको मैं पूरा फिनिश करने वाला था, फिर वो इसमें जा चुका था भाई। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट बीट करता हूँ, तब तक मेरा बंदा उसको फिनिश कर देता है भाई। मैंने सोचा ही था कि भाई उसकी तरफ जाके लूट करूँ, फिर भाई कतई जहर फायरिंग आती है भाई ऊपर से, और कोई RPG भी चला रहा था, इसमें बहुत भी परेशान कर रहा था। फिर बॉट को मारा भाई, और एक बंदा भाई यहाँ पे बग्गी लेके आता है भाई। फिर मैंने बोला अंदर ही रुकता है, पहले हीलिंग कर लेता हूँ, तो भाई मैं थोड़ा हीलिंग वीलिंग करता हूँ भाई। वो मतलब ओपन पे बटन पे बार बार टाइप कर रहा था भाई, वो गेट ही नहीं खुल रहा था भाई, क्या कर सकते। फिर मैंने अपने बंदे को बोला स्कोप वगैरह होगा तो दे भाई, फिर वो 3x देता है। फिर मैं यहाँ से देख रहा था भाई बंदा बिंदा कुछ एंगल मिले तो फिर करते आगे की प्रगति शुरू, पर भाई कुछ दे ही नहीं रहा था। फिर चलो भाई रशी मार देते, मार करते कि भाई बंदा है, फिर मैं उसको कुछ डैमेज वगैरह देता हूँ भाई, पर वहाँ तो कुत्ता स्प्रे जाता नहीं, तो मैंने सोचा आगे से जाके ही मारे भाई। मैं सोचा था कि ऊपर से चढ़ जाऊँगा भाई, पर चढ़ ही नहीं पा रहा था भाई, मतलब क्यों क्या पता क्या है, ग्लिच था क्या था कुछ था, मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा था। और बीच में बॉट भी कहीं फायरिंग कर रहा था, मैं बॉट को मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा था, पहले उस रेल बंदे को ख़त्म कर दे, पर भाई बॉट बहुत ही परेशान कर रहा था भाई, तो फिर बॉट को भी मारना पड़ता है। मारने के बाद भाई फिर मैं बॉट को पूरा ही फिनिश करने वाला था भाई, मतलब किल सिक्योर कर लेते अपना, पर नहीं होता भाई। फिर मेरे को वहाँ पे बंदा दिखता है भाई, तो मैं उसको फिर डैमेज देता हूँ थोड़ा फार, पर वहाँ तक स्प्रे जा ही नहीं पा रहा था भाई, क्या पता भाई, तो मतलब थोड़ा फार डैमेज तो पड़ा ही होगा उसको। फिर मैं लेट के मारने की कोशिश कर रहा था भाई, फिर भी मेरा बंदा खड़ा हो जा रहा था, मतलब क्या ही स्कैम था भाई। तो बोला चलो आगे की तरफ जाते भाई, फिर यहाँ से दिखता है भाई, मैं पूरी स्प्रे मार देता हूँ भाई, पूरी गोलियाँ खत्म हो जाती है भाई मेरे M4 की। और भाई मेरे AKM में भी सिर्फ
इतनी सी गोली आती है। मैंने बोला अभी क्या ही करेंगे, अभी बच पाएंगे क्या नहीं भाई पता ही नहीं चलता था। फिर मेरा बंदा आता है, वो थोड़े मेरे को कुछ गोलियाँ वगैरह देता है, एमओ वगैरह। भाई मैं फिर थोड़ी हीलिंग वगैरह करता हूँ, फिर मेरे बंदे से कुछ एमओ वगैरह लेता हूँ। भाई मैं भी सोच ही रहा था कि भाई उस टॉप वाले बंदे को कैसे मारा जाए। बोला चलो आगे की तरफ जाके रश मार देते उसकी तरफ। मैं से जा ही रहा था, फिर यहाँ पे एक बंदा दिखता है भाई, उसको स्प्रे देता हूँ तो पूरी की पूरी गोले उतर देता हूँ, फिर भी नॉक नहीं होता भाई वो बंदा। भी देता हूँ नॉक कर देते भाई, फिर उस बंदे को पूरा ही फिनिश कर देता हूँ भाई मैं। अगर बंदे के पास खतरनाक जेर ही लूट थी भाई, मतलब 6x, 4x, 3x क्या क्या लेके बैठा था बंदा भाई, उतने में लूट ही कर रहे थे भाई। फिर काशी खतरनाक थर्ड पार्टी हो जाती भाई, बहुत लूट होती, बहुत खतरनाक फायरिंग पड़ती भाई। मेरे को लगा अभी गए भाई, ऐसे नहीं बच सकते भाई। मतलब देखो भाई जीप ने रश मार दिया भाई, चार बंदे थे भाई। मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तू यहाँ से निकल भाई, मैं उन बंदों को फायरिंग वगैरह देता हूँ भाई, एक को डैमेज वगैरह पड़ता है। मैंने बोला पहले गाड़ी को फोड़ देता हूँ भाई, फिर इससे कवर ले लूँगा। पर मेरे सोचा बाद में कि भाई इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम फंस जाएंगे। तो भाई मैं स्प्रे देता हूँ, मेरी गोलियाँ भी बहुत कम थी। मैंने सोचा चलो आगे जाके कवर लेके मारेंगे भाई बंदे को, पर उतने में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है भाई। तो भाई मतलब बचेंगे क्या नहीं आप पे भाई, एक लाइक वगैरह तो करके ही जाना भाई। थोड़ा हीलिंग वगैरह ही करा था, बंदे रश मार देते भाई, वो मेरे टीममेट को पूरा फिनिश ही करने वाला था भाई। मैं तो उसको नॉक कर देता हूँ, मेरे टीममेट को बोला कि मेरे पास जल्दी से आ जाए, मैं तब तक रिवाइव करता हूँ। फिर मेरा बंदा मेरे पास आता है भाई, मैं उसको रिवाइव भी कर रहा था भाई, तब तक वो देख रहा था भाई बंदे के रश भी मारेंगे क्या नहीं। मैं फिर अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ भाई। मैं सामने वाले बंदों की तरफ देख ही रहा था भाई, वो बंदे कहाँ पे, मतलब उनको भी मारा भी रह जाए तो थोड़ी हीलिंग वगैरह करता हूँ। बोला चलो यहाँ से चलते हैं भाई, जो भाई ऊपर वाला बंदा भाई खतरनाक स्प्रे देता। मेरे को लगा भाई गया मैं अभी, मतलब बचूंगा ही नहीं, पूरा 1 HP था भाई। फिर मैं मेडिकेट यूज़ करता हूँ भाई। इस सिचुएशन के लिए ना भाई एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही चाहिए भाई। जो जो बंदे देख रहे हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। फिर से वो बंदा फायरिंग करता है भाई, 1 HP छोड़ देता है भाई, फिर से फिर भी बच जाते भाई। तो क्या गाइस हम यहाँ से बच पाएंगे? तो भाई कमेंट जरूर करके जाना कि हम बच पाएंगे या नहीं भाई। तो भाई मैं फिर हीलिंग वगैरह करता हूँ, मैं अपने बंदे को बोलता हूँ भाई तू निकल यहाँ से भाई, फॉलो बैक करते हैं हम। हमारे पास हीलिंग भी ख़त्म हो रही थी भाई, इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ी सी पूरी हीलिंग वगैरह करके यहाँ से पीछे जाए भाई। फिर अगर कुछ गाड़ी वगैरह मिल जाए तो यहाँ से बंदे की तरफ रश मार देंगे। पर भाई बंदा कुछ एंगल वगैरह नहीं दे रहा था भाई, मैं देख ही रहा था भाई बंदा वगैरह दिखे विखे तो भाई मारो भी। तो मैंने टीममेट को बोला भाई तू जा अभी यहाँ से। भाई यहाँ से मैं फॉलो बैक कर ही रहा था भाई, पर फिर मेरे को भाई यहाँ से थोड़ा हल्का सा बंदा दिखता है भाई, ऊपर की तरफ चढ़ रहा था वो। मैं फिर देखने की कोशिश कर रहा था भाई कुछ एंगल वगैरह मिले तो भाई मारते बंदे को, मगर भाई बंदा फिर से कवर में चला जा चुका था भाई। तो मैंने सोचा भाई चलो जान दे आगे की तरफ जाते भाई, फिर भाई आगे से देखेंगे कुछ करना है फिर आगे का। तो भाई पहले तो देख रहा था भाई कुछ गाड़ी वगैरह मिल जाए, तो मैं बोला कि यहाँ से निकलते। मैंने बंदे को बोला कि भाई उन बंदों की जीप है वहाँ पे, जाके चेक करो वो जीप लेके आ। फिर मैंने बंदे को बोला कि भाई जा उनकी गाड़ी लेके आ। फिर मेरा बंदा जा ही रहा था भाई तब तक, क्योंकि भी वहाँ से निकलते भाई। पर मेरे को भाई सामने की तरफ से गाड़ी दिखती भाई उन बंदों की, मतलब ये वो देखो वही बंदा मेरे को बाद में आगे जाके बहुत नुकसान करने वाला भाई। मतलब इस बंदे को मार भी देता ना तो अच्छा रहता भाई, पर वो भी बंदा आगे जाके स्कैम करने वाला भाई। तो कमेंट में बताओ गाइज मेरा चिकन डिनर होगा क्या नहीं भाई। भाई आप थोड़ा फास्ट मोशन का मजा लो, मैं जा ही रहा था भाई कि देखो भाई कहाँ पे बंदे वगैरह। तो फिर बंदे ऑम वगैरह भी चला रहे थे यहाँ पे, जितने एमओ मैंने सब उठा लिया भाई, मतलब तो आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। बंदे को बोला कि अभी स्कारेल वगैरह ले ले। फिर भाई ऐसे निकलते तो मैं आगे की तरफ जा ही रहा था। फायरिंग के लिए वगैरह लेंगे भाई यहाँ से,
ये बॉम्ब वाला बंदा मारता भी किसी को, देख ही रहा था कोई बंदा वगैरह दिखे तो करते। फिर वहाँ पे एक गाड़ी भी दिखती भाई जो जा रही थी ऊपर की तरफ से। मैंने सोचा भाई पहले कि इस घर में रुकते हैं भाई थोड़ी देर के लिए, और मैं इस घर में जाने के बाद मेरे को फुटस्टेप आते भाई कि बंदा शायद सामने वाले घर में था। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, मैं उस घर में जा ही रहा था भाई, मैं मतलब मेरे को लगा भाई बंदा ऊपर की तरफ होगा। फिर बाद में ऐसे फुटस्टेप आते भाई कि भाई बंदे ने नीचे जब मार दिए। मैं ऊपर फिर भी देखने के लिए जाता हूँ भाई कि बंदा वगैरह होगा तो मारेंगे, भाई बंदा दिखता ही नहीं। मतलब यहाँ पे AKM मिल जाती भाई तो AKM के एमए वगैरह ले लेता हूँ भाई। फिर मैंने बोला, फिर बाद में दो दो बंदूक के भी फुटस्टेप आते भाई। मैंने अपने टीममेट को बोला भाई अगर बंदे वगैरह दिखे तो लोकेशन मार्क कर मेरे को, नीचे की तरफ से बंदे की फुटस्टेप आ रहे थे। मैंने बोला चलो भाई रश मार देते भाई उन बंदों के ऊपर। मैंने बोला सामने वाले घर से आ रहे थे तो सामने वाले घर पर रश मार देते। मैंने बंदे को बोला भाई, मेरे को बाद में ऐसा लगा कि भाई बंदा इधर ब्रोकन वॉल के पीछे आके खड़ा है, मतलब ऐसा लगा मेरे को। देख ही रहा था भाई बंदा वगैरह कुछ आए, फिर मैं देख ही रहा था कि भाई बंदे वगैरह ऊपर आएंगे तो मैं मारेंगे, पर भाई ऊपर से फायरिंग भी पड़ रही थी भाई मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा भाई पहले हीलिंग वगैरह कर लूँ तो भाई जोन भी आ जाती है भाई, वो जोन इतनी काटती ना भाई हेल्थ। तो मैंने बंदे को बोला भाई बंदे वो छोड़ भाई, पहले जोन में चलते अपन। मेरा बंदा सामने की तरफ से जाता भाई और मैं पीछे की तरफ से, मेरे को लगा वो बंदे इसी घर में होंगे। मैंने बोला पहले चलो जोन में तो चलते हैं भाई पहले, बाद में देखा जाएंगे। वो भाई फुटस्टेप आते हैं, मेरा बंदा नॉक हो जाता है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई मैं हीलिंग करने में बिजी हो जाता हूँ भाई। मैं अगर यहाँ पे हीलिंग नहीं करता ना तो भाई मेरे अपने बंदे को बचा लेता भाई। देखो भाई मतलब क्या इस क्या हुआ है यहाँ पे। अब मैं हीलिंग कर रहा था भाई, वो बंदा मेरे बंदे को मार देता है भाई। तो बाद में उसको मारता हूँ तब तक वो मेरे बंदे को पूरा आ जाता है भाई। फिर आता है भाई, मतलब यहाँ पे दो दो फुटस्टेप आए थे भाई, एक ही बंदा था भाई अचानक, वह दूसरा बंदा कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं भाई। फिर मैं इससे थोड़ी लूट भीट करता हूँ भाई। भाई मैं यहाँ पे हीलिंग वगैरह करना शुरू कर देता हूँ, फिर जोन आ जाती है। मैंने बोला चलो जोन में तो भागते। तो भाई मैं जोन में जा ही रहा था, फिर स्क्वाड हाउस की तरफ भी एक बंदा रहता है भाई, वो मेरे को बाद में डैमेज देता है भाई। वो बंदा दिखता है मेरे को, उसको बहुत डैमेज देता हूँ मतलब उसको। फिर वो बंदा भाई कवर में चला जा चुका था। मेरे को यहाँ पे रुकता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए, मेरे को लगा बंदा बिंदा झुकेगा दिखेगा तो मारेंगे भाई उसको, और वो बंदा निकलने की कोशिश ही नहीं करता भाई। फिर जोन भी आता है भाई, और वो ऊपर वाला बंदा भाई जो बोला था मैंने आपको जो गाड़ी लेके गया था वही बंदा भाई बाद में। तो यहाँ पे मैं बच पाऊँगा कि नहीं गाइस, अगर मैं बच गया ना भाई इस सिचुएशन से तो लाइक ज़रूर करो। बंदा आता भाई भागा भागा पर उसको मार देते भाई, उसको पूरा फिनिश करने वाला था भाई, पर जोन ही इतनी खतरनाक थी भाई, 1 HP रह जाता भाई। और वो बंदा भाई डायरेक्ट सामने था भाई, अगर मेरे पास यहाँ पे स्मोक वगैरह भी रहते ना तो तब तक भी बच जाती गाइस। मैं हीलिंग ही कर रहा था, मगर फर्स्ट एड भी नहीं थी उस बंदे वाले, ऊपर वाले बंदे के पास थोड़ा एडवांटेज था भाई, वो बंदा थोड़ा हाई रिच पे था, फिर उस पर एडवांटेज भी था भाई, इसलिए हमारा चिकन डिनर रह जाता भाई। तो भाई इस वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि भाई अपना पबजी मोबाइल इंडिया लाइट भी आने वाला है, तो भाई ज़रूर सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।